नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं इंदौर की खास खबरों पर। चोइथराम सब्जी मंडी में अब मिलेगी किसानों को लॉकर सुविधा। इंदौर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जरिए दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश। इंदौर की स्वच्छता का होगा पुनः निरीक्षण। ODF सर्वे के लिए सोमवार शाम तक पहुंचेंगे केंद्र सरकार के अधिकारी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में MIDC थाना में हुई फायरिंग में शामिल मुंबई की एक गैंग वार में शामिल एक इंदौरी युवक को मुंबई से आए पुलिस दल ने गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस द्वारा बताए गए आरोपी फिरोज खान को तो खजराना इलाके से दबोच लिया गया है, जबकि चंदन नगर इलाके का साजिद पुलिस के हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने फिरोज को मुंबई पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। हम आपको बता दें कि 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल एक आरोपी पर ये गोलियां चलाकर इंदौर भागे थे, तब से पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। चोइथराम सब्जी मंडी में बाहर से आने वाले किसानों के लिए मंडी प्रशासन ने खुशखबरी दी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब सब्जी मंडी में बाहर से आने वाले किसान अपनी जरूरत का सामान सुरक्षित ढंग से रख सके, इसलिए उन्हें लॉकर सुविधा मुहैया कराए गए प्रशासन। इस सुविधा के लिए मंडी कैंपस में ही किसानों के लिए पहले से चल रहे किसान रेस्ट हाउस का चयन किया गया है। हम आपको बता दें कि चोइथराम सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर आते हैं और उन्हें रात्रि में भी मंडी में ही रहना पड़ता है। किसान आराम से मंडी में रात गुजार सके, इसलिए यहां किसान रेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसके अंदर अब किसानों के लिए लॉकर रूम बनाया जा रहा है। मंडी के अधिकारियों के अनुसार लॉकर किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे और किसान अपना कीमती सामान इसके अंदर रख सकते हैं। स्वच्छता का दो बार खिताब जीत चुका इंदौर का पुनः निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की टीम मंगलवार से दो दिन के दौरे पर इंदौर आ रही है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की टीम के अधिकारी सोमवार शाम तक इंदौर पहुंचेंगे और दूसरे दिन से वे विभिन्न स्थानों पर दौरा करेंगे। इंदौर निगम का पूरा अमला इसी के साथ अलर्ट हो गया। हर क्षेत्र के अधिकारियों को सचेत किया गया है कि वे इस कार्य में लापरवाही न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार से केंद्र सरकार की टीम के निरीक्षण करने की सूचना के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुलभ कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधा घरों को साफ करने की कवायद चल रही है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर को खुले में शौच से मुक्ति और शहर घोषित किया गया था, जिसके बाद इस मामले में शिकायतें की गई है कि कई जगह अस्थायी तौर पर निगम द्वारा शौचालय बनाए गए थे, जहां की फिलहाल हालत बहुत खराब है, जिसके तहत दो दिनों तक इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में खुले में शौच की स्थिति की ये टीम दो दिनों तक पड़ताल करेगी। बकरीद से पहले इंदौर में एक बड़ी बकरा चोर गैंग पुलिस के हाथ लगी है। ये आरोपी गॉट फार्म हाउस में बकरा चुराने की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस गश्त के दौरान इस गैंग को पकड़ लिया गया, जिन्होंने वारदात करने की बात कबूली है। ये गैंग रात को एक बकरा फार्म हाउस में डकैती डालने ही वाले थे कि पुलिस की नजर इन पर पड़ गई और इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इससे पहले भी आरोपी हिमाचल में एक फार्म हाउस से 36 और राम बड़ोदिया से 21 बकरी चुरा चुके हैं। इसके साथ ही सिमरोल में दो फार्म हाउस में हुई डकैती में भी लिप्त हैं। हम आपको बता दें कि ये गैंग जावरा और मंदसौर के रहने वाले कंजर समाज से हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। इंदौर में अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग से दुर्घटनाएं रोकेगी पुलिस। जी हां, दरअसल हाल ही में दुर्घटनाओं में बड़ी गिरावट बताने वाली पुलिस ने दुर्घटनाएं नियंत्रित करने के लिए 11 नए स्थान चिन्हित किए हैं, जहां वह ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जरिए दुर्घटनाएं रोकेंगी। जून 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस ने 3 सालों की तुलना में दुर्घटनाओं में 33% की कमी बताई थी। इसे और बढ़ाने के लिए इंदौर पुलिस ने शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे उन 11 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां भारी वाहनों के साथ आसपास के ग्रामीणों का भी लगातार आना जाना रहता है। इन स्थानों में चोरल भेरूघाट, देवगुराड़िया, सावेर धर्मपुरी, 3 इमली चौराहा पुल, नेमावर रोड, IPS कॉलेज, AB रोड, राजेंद्र नगर, खंडवा रोड, पिगडम्बर चौराहा, ओमेक सिटी रोड, लसूड़िया बाईपास और इंदौर नेमावर रोड शामिल है। ये सभी स्थान हाईवे से जुड़े हैं। यहाँ ज्यादातर हाथ से ओवरटेक के कारण होते हैं, जिसके चलते अब ट्रैफिक पुलिस संबंधित विभागों से समन्वय करके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इन स्थानों पर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखेगा।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की नई बैच की शुरुआत स्वागत समारोह से हुई। भविष्य में डॉक्टर बनने जा रहे नए छात्रों को डीन डॉक्टर शरद थोरा और गोल्ड मेडल विजेता सीनियर से संबोधित किया। बता दें कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए उम्मीदवारों की पहली पसंद इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज है। अपग्रेडेशन के ऑप्शन में भी दूसरे सरकारी कॉलेज छोड़ टॉप करने वाले छात्रों ने एमजीएम को चुना है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आए एमबीबीएस के छात्रों की प्रदेश में इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज हमेशा से फर्स्ट चॉइस है। एमजीएम की सभी सीटें नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे चरण में ही भर चुकी है। कॉलेज पूरे प्रदेश में पहली पसंद पर रहा है। इसी के साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की नई बैच की शुरुआत स्वागत समारोह से हुई। डीन डॉक्टर शरद थोरा ने संबोधित करते हुए छात्रों को समझाइश दी कि एकेडमिक स्कोर आपको अच्छा इंसान नहीं बनाते और न जिंदगी में इस आधार पर कोई आपको जज करता है। साथ ही उन्होंने अनुशासन बनाए रखने का भी आदेश दिया। कॉलेज में महिला उत्पीड़न निवारण समिति भी बनाई गई है जिससे कॉलेज में रैगिंग जैसी हरकतें ना हो। डीन थोरा ने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुशखबर है, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2019 से 2020 से एमबीबीएस स्नातक पाठ्यक्रम में 450 सीट की वृद्धि की जा रही है। सभा में मेडिकल कॉलेज के एचओडी कमेटी के सदस्य और गोल्ड मेडल विजेता सीनियर्स ने भी संबोधित किया। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।